नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ सेफ्टी हेलमेट आइडेंटिफिकेशन बाय कलर कोड इसके बारे में बात करने वाला हूँ सेफ्टी हेलमेट जो है वो पीपीई में आता है पर या पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मॉन्ड्री है और सर की सुरक्षा के लिए सभी को प्लांट के अंदर हेलमेट पहनना जरूरी रहता है सेफ्टी हेलमेट प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके के हम लोग देखते हैं तो ये कलर कोडिंग जो उसमें दिया गया है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं वाइट हेलमेट जो पहनते हैं वो लोग मैनेजर्स इंजीनियर्स सुपरवाइजर्स या फॉर्म्स रहते हैं वो लोग वाइट हेलमेट पहनते हैं येलो कलर का हेलमेट जो है वो वर्कर्स के लिए रहता है और हेवी ड्यूटी ऑपरेशन जहाँ पे रहता है वहाँ पे रहता है एंड कंस्ट्रक्शन जब भी चल रहा होता है वहाँ पे ख़ास करके वर्कर्स को येलो कलर का हेलमेट रहता है ब्राउन कलर का हेलमेट जो है वो वेल्डर्स पहनते हैं या हाई हीट ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे यूज़ होता है ब्लू कलर का हेलमेट जो है वो इलेक्ट्रिशियन या टेक्निकल ऑपरे ऑपरेटर जो रहता है वो लोग ब्लू कलर का हेलमेट का यूज़ करते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि ये इलेक्ट्रिशियन है या टेक्निकल पर्सन है ग्रे कलर्स का हेलमेट है वो प्लांट के अंदर जब भी कोई भी जाता है तो वो स्पेशली फॉर साइट विजिटर्स के लिए ये कलर कोडिंग है ताकि इससे पता चलता है कि ये साइट विजिटर्स है रेड कलर यानी कि फायर फाइटर्स फायर डिपार्टमेंट रहता है प्लांट के अंदर उसको रेड कलर का हेलमेट पहनना होता है ग्रीन कलर गारमेट्स जो सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर्स या सेफ्टी मैनेजर सभी लोगों को ग्रीन कलर का हेलमेट पहनना होता है ताकि इसे मालूम पड़े कि यह सेफ्टी डिपार्टमेंट से लोग काम कर रहे हैं और लास्ट में पिंक कलर पिंक कलर जो है वो फीमेल वर्कर्स को जनरली होता है और अगर कुछ इंडस्ट्री में इसको एडिशनल हेलमेट की तरह से भी यूज़ किया जाता है ताकि इसमें जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसका कलर कोडिंग के अलावा जो रहता है या कोई आता है प्लांट के अंदर तो उसको पिंक कलर का हेलमेट दिया जाता है और यूज़ होता है थैंक यू दोस्तों